जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सिंपल स्टेप दिखाने वाला हूं कि आप लोग जो व्यक्तिगत शौचालय है उसको ऑनलाइन कैसे उसका फॉर्म आप बड़े ही आसान तरीके से भर पाने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है जिस घर का आपको व्यक्तिगत शौचालय अप्लाई करना है उस घर का फ़ोटो एक लगना है जो कि 20 KB की होनी चाहिए। साथ में जो बैंक पासबुक है जो अप्लाई कर रहा है उसका बैंक पासबुक होना चाहिए जो कि 20 KB में होना चाहिए और ये PDF में होना चाहिए। तीसरा जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए और वो भी 20 KB में PDF ही होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है और बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मांगी जा रही हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट है और ये फिल करना ही बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको ले के चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ कैसे हर एक स्टेप फॉलो करके आप आसानी से अपने लिए व्यक्तिगत शौचालय की मांग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्रोम खोल लेना है। क्रोम में आपको सर्च कर लेना panchayatiraj.gov.in। इसको जैसे ही इसी साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और इसको आपको इसको पहले काट देना, उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। महत्वपूर्ण लिंक का पहला पॉइंट आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे पहला पॉइंट ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है पंचायत भवन अंत्येष्टि स्थल व्यक्तिगत शौचालय। तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत शौचालय अगर भरना है तो व्यक्तिगत शौचालय वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा। अभी पंचायत भवन वाले में ये ऑप्शन जा रहा है क्योंकि आपको जब व्यक्तिगत शौचालय डालना है तो व्यक्तिगत शौचालय ही पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ही आगे आप काम करेंगे। पंचायत भवन ग्राम प्रधान का उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा तो आपको व्यक्तिगत शौचालय क्लिक कर लेना है। आवेदन का प्रकार है तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपना जिला चूज कर लेना है, अपना ब्लॉक चूज कर लेना है, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत जो भी है चूज कर लेना है। राजस्व का नाम है तो अपनी ग्राम पंचायत का नाम इसमें दे देना है, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आवेदन की श्रेणी क्या है, APL है कि BPL है, पहले ग्राम पंचायत का नाम लिख लीजिए, उसके बाद APL है कि BPL है आप चूज कर लीजिए। आवेदक का नाम जो भी हो आप डाल सकते हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पति पिता कौन है उसको आपको डाल लेंगे, उसके बाद आवेदन का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर हो आप लोग बड़े ही आसान तरीके से इसको डाल लीजिएगा। उसके बाद आवेदक का आधार नंबर आप डालेंगे, आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ डालने वाले हैं, उसके बाद बैंक का नाम आप यहाँ पे डालने वाले हैं, बैंक का पूरा नाम आप डाल देंगे जो भी बैंक है, उसके बाद बैंक का IFSC कोड देखिए नीचे मांग रहा है उसको आपको डाल लेना है, बैंक का नाम के बाद IFSC कोड। उसके बाद दोस्तों आवेदन के घर की फ़ोटो 20 KB JPG में होनी चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये पहले से मैं बना के रखा हूँ तो इसको मैं ले लेता हूँ जो घर की फ़ोटो है। आप भी जहाँ रखे होंगे वहाँ से बना के पहले से ही रख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देंगे तो वो खुद ही ले लेगा, अगर 20 KB का होगा तो नहीं, 20 KB का होगा तो नहीं लेगा। इसको ऐसे ले लेना है, आप देख सकते हैं वहाँ पे सुनील घर लिख दिया है तो हो गया। यहाँ पे आवेदन की आधार प्रति PDF में है 20 KB में तो उसको आप चूज कर लेंगे, उसके बाद पासबुक की प्रति चूज कर लेंगे 20 KB PDF में, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म फिलअप हो गया बड़ी बेहतरीन तरीके, उसके बाद सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे IFSC कोड रॉन्ग है तो IFSC कोड गलत बता रहा है, तो IFSC कोड को मैं हटा के फिर से IFSC कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे ही सही हो जाएगा उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सेव पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेवेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे ओके हो गया, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब दूसरा फॉर्म भरना, दूसरा फॉर्म भरिए। खासतौर पे पंचायत सहायकों के लिए बेटर होगा, अगर ग्राम पंचायत में किसी को भी इसकी डिमांड करनी है व्यक्तिगत शौचालय की तो वो यहाँ से उनका जो भी डॉक्यूमेंट है लेके यहाँ से पंचायत सहायक डिमांड कर सकते हैं और अपनी ग्राम पंचायत में अपनी एक बेहतर छवि का निर्माण भी कर सकते हैं। साथियों देखा आपने बहुत ही छोटी वीडियो थी लेकिन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट्स लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बिता रहेंगे दोस्तों, जय हिंद।